एक बार की बात है, एक बांस का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आकर गिर जाता है। अब कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलने लगते हैं, और उन्हीं में से एक था उस बांस का बच्चा। वो भी उन चूजों के साथ बड़ा होने लगता है, उन्हीं के साथ खेलता है, कूदता है। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलना, दाना चुगना और दिन भर चूजों की तरह चूचू करना। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा ही ऊपर उड़ पाता था और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता था। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तो चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल हैं, लेकिन तुम उनकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर उन्हीं चूजों की तरह जीता रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत को पहचाने ही वो मर गया। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उस बास की तरह अपनी असली पोटेंशियल को जाने बिना, असली ताकत को जाने बिना इस बेकार सी जिंदगी को जीते रहते हैं जिसे हम कभी जीना नहीं चाहते। हमारे आसपास के लोगों की छोटी सोच हमारी सोच को भी छोटा बना देती है, और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी हम एक सामान्य सा जीवन जी के इतने बड़े मौके को गवा देते हैं। पर आप चूजों की तरह मत बनिए, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हों, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है।